तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं फोटॉन्स के बारे में। फोटॉन्स, व्हाट इज फोटॉन, राइट कीजिए। लाइट रेडिएशन ट्रेवल इन द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट रेडिएशन ट्रेवल इन द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। जो लाइट रेडिएशन है वो एनर्जी के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करती है, सो क्या बोलते हैं लोग, इट इज कॉल्ड ए फोटॉन। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी फोटॉन्स की है ये बात है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। पहला है एनर्जी ऑफ फोटॉन, कितना होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन, इज E इज इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसको हम ऐसे ले सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इज इक्वल टू एच म्यू या सी बाई लैम्डा। सेकेंड पॉइंट है इसका कि फोटॉन्स ट्रेवल विद, फोटॉन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, कैसे चलता है स्पीड ऑफ लाइट, कितना वैल्यू होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है इसका कि फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स का प्रॉपर्टीज क्या है, वो लिखिए फोटॉन डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, फोटॉन्स डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ फील्ड। अगर हमारे पास फील्ड प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, उससे फोटॉन्स के पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटॉन डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। हम ये पढ़ते हैं कि कोई ऐसी बॉडी प्रेजेंट नहीं है, कोई पार्टिकल ऐसा प्रेजेंट नहीं है इसका मास जीरो हो, फिर भी रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। इसका मतलब ये है एट रेस्ट कंडीशन फोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट, राइट कर सकते हो एट रेस्ट कंडीशन फोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट। फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेंगे इसका, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, अगर फोटॉन्स ट्रेवलिंग के दौरान मीडियम चेंज करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सब कुछ चेंज हो सकता है। देख लीजिए, व्हेन फोटॉन चेंज मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था फोटॉन्स के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, अगर लाइट रेडिएशंस किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, किसी मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक करती है और उस सरफेस से के इलेक्ट्रॉन को वो सरफेस से बाहर निकाल दे, उस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है लिख लीजिए, इट इज अ फिनोमेना इन विच ए लाइट ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी, ए लाइट ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस एंड इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये लाइट है, क्या लिखा था, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जरूरी है जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसका फ्रीक्वेंसी एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, जिसको हम बाद में नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतना होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया, लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया मेटल सरफेस से, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम दिया गया इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ,
जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया और ऑब्जर्वेशन दिया गया। तो हम नेक्स्ट इसी में करते हैं, इसी का पार्ट बनता है एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंट में क्या था, देखिए इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब यूज किया, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर से एयर को बाहर निकाला गया। इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, बोल सकते हैं इसको हम लोग, इट इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर दो मेटेलिक प्लेट यूज किए गए, दो मेटेलिक प्लेट है यहाँ पे। एक प्लेट के ऊपर इन्होंने क्या किया, ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जो इजिली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, तो इस पर लाइट गिरती है। इसको नाम दिया गया फोटो सेंसिटिव प्लेट। इसको मैं सी ले लेता हूँ, इसको मैं ए ले लेता हूँ। सी इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव प्लेट। और इस प्लेट को जोड़ा गया विद ए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमको करंट को मापना है बाय यूजिंग लाइट, तो एक माइक्रोमीटर लगाया गया। स्मॉल करंट प्रोड्यूस हो सकता है बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया गया, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसको जोड़ा गया नेगेटिव पोटेंशियल सी को, और ए को जोड़ा गया विद पॉजिटिव पोटेंशियल। और वोल्टेज मापने के लिए पैरेलल में लगाया गया वोल्ट मीटर। तो ये था एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। एक ग्लास ट्यूब था, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया। इसके अंदर दो मेटेलिक प्लेट यूज किए गए और उन प्लेट्स को पोटेंशियल के साथ जोड़ा गया। अब यहाँ पे हम लाइट डालेंगे। जब लाइट इस प्लेट सी पे गिरेगी तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे और प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे और यहां से करंट फ्लो करेगा जो ये माइक्रोमीटर हमको दिखाएगा। तो हमको ग्राफ बनाना है इस वोल्टेज में और इस करंट के बीच में जो यहां से निकल रहा है। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट। लिखिए वी हैव ए ग्लास ट्यूब हैविंग टू मेटेलिक प्लेट सी एंड ए, टू मेटेलिक प्लेट सी एंड ए। आगे लिखिए प्लेट सी इज ए फोटो सेंसिटिव प्लेट, प्लेट सी इज ए फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड प्लेट ए इज ए मेटेलिक प्लेट विच आर कनेक्टेड with variable electric potential, which are connected with variable electric potential difference. आगे लिखिए a micrometer and a voltmeter is connected in the circuit. A micrometer and a voltmeter is connected in the circuit. ये अरेंजमेंट है आपका कंप्लीट जो डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट हुआ, वर्किंग करते हैं इसका। एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या हुआ, लाइट डाला गया। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में तीन वेरिएशंस करने हैं हमको। पहला हमको करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ेगा करंट के ऊपर। फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है, मैं बोल सकता हूं कि कितना अमाउंट में लाइट गिर रहा है, कितने एरिया पे और कितने टाइम तक। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बोल सकते हैं। अब हमने जब हम इंटेंसिटी पे काम कर रहे थे, हमने क्या किया, लाइट का फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, लाइट का फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को हमने क्या किया, सी जो है इट हैव मोर नेगेटिव पोटेंशियल देन प्लेट ए। ओके, ये हमने अरेंजमेंट पहले से किया है। और इस वोल्टेज को और इस लाइट का फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब जब इंटेंसिटी को इंक्रीज किया गया, देखिए क्या हुआ, जब लाइट गिरी यहां पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इलेक्ट्रॉन
एमिट हुए होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उनको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल है, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और यहां से माइक्रोमीटर कैसे हो करेगा, रीडिंग से हो करेगा। तो इस रीडिंग के बेसिस पे और इस इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाया किसके बीच का, यहां पे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इस तरफ रखा गया करंट, जो करंट फ्लो किया उसको नाम दिया गया फोटो करंट, क्योंकि ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन ये फ्लो किया। और ग्राफ को जो बनाया गया इसका शेप कैसे आया, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये पहला पॉइंट का ऑब्जर्वेशन था। तो लिख लीजिए एक बार इसमें, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड आर इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड आर इंक्रीज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। These electron reach to plate A and current flow in the circuit. Current flow in the circuit. This current is called photo current. This current is called a photo current. Okay. From the graph, graph से क्या मिल रहा है मेरे को? कि जितना मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही फोटो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लिख लीजिए, विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो करंट इज आल्सो इंक्रीज, फोटो करंट इज आल्सो इंक्रीज। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है इससे, कि जितना आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे लाइट की इंटेंसिटी को उतना ही फोटो करंट इंक्रीज हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। ओके, हम सेकंड पॉइंट करते हैं, इंटेंसिटी पूरा उसका है, सेकंड पॉइंट है, लिखिए करंट का वैल्यू जीरो नहीं था, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप ही पहुंच रहे थे यहां पे,
किसी एक पॉइंट से होना है तो जीरो नहीं हो सकता, कोई और पॉइंट हो सकता है। यानी जब लाइट गिरेगी उस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी हो सकता है कि वो सी तक, सॉरी प्लेट ए तक पहुंच जाएगा। और यही हुआ, प्लेट ए तक क्या हुआ, पहुंच गया। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल को कनेक्ट कर दिया, की को मैंने क्लोज किया। अब बैटरी मेरे सर्किट के अंदर है, इस बैटरी की वजह से दिस प्लेट बिकेम नेगेटिव पोटेंशियल, दिस प्लेट बिकेम पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ए पे पहुंच रहे थे वो इंक्रीज हो चुके हैं, जिससे करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, विद इंक्रीजिंग द पोटेंशियल करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे होंगे, प्लेट ए तक पहुंच रहे होंगे। ओके, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाएंगे, प्लेट ए तक। उसके बाद कितना ही वोल्टेज को इंक्रीज कीजिए, करंट के वेरिएशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद करंट बिकेम कांस्टेंट, इस करंट को नाम देते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या नाम दिया गया, सैचुरेशन करंट। तो अगर आप पहले तो करंट की वैल्यू इंक्रीज किया, आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट। अब कितना ही वोल्टेज को इंक्रीज कीजिएगा, करंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि हर टाइम जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उतना ही कहां पहुंच रहे हैं, प्लेट ए तक पहुंच रहे हैं। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल को घटाना शुरू किया, नेगेटिव करना शुरू किया। तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। जब करंट डिक्रीज करेगा तो पॉइंट ए, ये पॉइंट वापस यहीं पे आ जाएगा, ये वो पॉइंट था जब पोटेंशियल जीरो था और करंट का वैल्यू नॉन जीरो था। अब इसको भी मेरे को क्या करना है, इस करंट को भी जीरो करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो प्लेट ए का पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव देन प्लेट सी, जिससे क्या हो सके, ये नेगेटिव प्लेट बन जाए। और जो इनिशियली में दो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे हमने माना था, उनको भी रोक देंगे। तो एक स्टेबल नेगेटिव पोटेंशियल्स के ऊपर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इस नेगेटिव पोटेंशियल को नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार राइट कीजिए, लिखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एंड light fall on the plate C, light fall on the plate C, then electron are ejected from the plate C, electrons are ejected from the plate C, some electron reach to plate A, some electron reach to plate A, so micrometer show reading. So micrometer show reading. Okay. आगे लिखिए, when we connect potential difference, then current is also increased in micrometer. After some time, current became constant. It is called saturation current. Okay? अब हम करेंगे potential को decrease. लिखिए, when we decrease the potential, current is also decreased. And became zero at stable negative potential. Called stopping potential. एक नाम और भी है इसका, और cut off potential. क्या नाम दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो हमारे पास ये ग्राफ हमें मिलेगा,
अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ा लेते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जब पोटेंशियल जीरो था तो क्या होगा, इससे जो ग्राफ बनेगा वो पहले से उसका करंट क्या होगा थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। फिर हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ चुके हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पे, तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। और आफ्टर सम टाइम करंट भी बिकेम कांस्टेंट, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सभी पहुंच जाएंगे प्लेट ए के पास। पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सारे पहुंचेंगे प्लेट ए के पास। आफ्टर सम टाइम करंट बिकेम कांस्टेंट वही होगा। फिर हम क्या करें, नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करें, इस पोटेंशियल को प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करें तो वही सिचुएशन वापस आएगी, करंट डिक्रीज करेगा एंड आफ्टर सम टाइम करंट बिकेम जीरो। एट स्टेबल नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इंटेंसिटी आई टू के लिए मान लेते हैं, इधर आप ये इंटेंसिटी आई टू के लिए लिख लीजिए एक बार। When we increase the intensity of light, current is also increased and became constant after Okay. अगेन ये व्हेन वी डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, करंट इज आल्सो डिक्रीज एंड बिकेम जीरो। एट द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू क्या होगी जीरो। ऐसा क्यों हुआ, जब इलेक्ट्रॉन प्लेट ए से निकल रहा था, सी से निकल रहा था, उसका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या था, हमने फिक्स किया हुआ था। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो निकले, चार निकले, पांच निकले, सभी का एनर्जी बराबर होगा, तो उस प्लेट ए के लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है वो सभी के लिए बराबर होगा रोकने के लिए। चाहे इलेक्ट्रॉन पांच निकले चाहे इलेक्ट्रॉन दस निकले, उनको रोकने के लिए हम लोग उनको क्या चाहिए, क्योंकि उनका एनर्जी सेम है, हमको चाहिए प्लेट जो सभी को क्या कर सकती है रोक सकती है। इसलिए डिफरेंट इंटेंसिटी के ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही, सेम रही। ये हमारा ग्राफ था, सेकंड ग्राफ इसके बीच का है, इट इज फॉर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। राइट कीजिए ग्राफ नहीं। थर्ड पॉइंट करते हैं लोग, थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा इस वोल्टेज और करंट के ऊपर। अब देखिए वही कम करते हैं, लिख लीजिए कीपिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट कर दिया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड वो फिक्स हो चुके हैं। हम ग्राफ बनाएंगे, वापस ग्राफ होगा फोटो करंट के बीच में और पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पे फोटो करंट और यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरा लिख देते हैं, पूरा पोटेंशियल लिख देते हैं, यहाँ पे होगा पोटेंशियल। देखो इनिशियल कंडीशन वही है, जब पोटेंशियल को मैंने जीरो किया, लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी था कि प्लेट ए तक पहुंच जाएंगे, और माइक्रोमीटर क्या शो करेगा, रीडिंग शो करेगा। मतलब ये है जब पोटेंशियल जीरो था तो करंट की वैल्यू कितनी थी, नॉन जीरो। ओके, फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू किया,
और इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे थे प्लेट ये तक है उनकी वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट, इट बिकेम कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ओके उसके बाद हमने क्या किया प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू किया जिससे क्या हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे उसको ये पॉज करना शुरू कर देगा जिससे वजह से करंट की वैल्यू लगातार क्या हुई डिक्रीज हुई और इस पॉइंट पे वापस आ गए। ये कंडीशन ये थी जब पोटेंशियल जीरो था करंट की वैल्यू कितनी थी नॉन जीरो थी। अब इस करंट को भी जीरो करना था तरीका क्या था कि प्लेट ए को मोर नेगेटिव कर दीजिए प्लेट सी से जिससे जो इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच रहे थे वो रुक जाएंगे और हमको क्या मिलेगा एक नेगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा इसको नाम दिया जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देंगे इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको वी नॉट लिखता हम लोगों ने सेम ग्राफ बन रहा है पहले की तरह उससे तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आई मेरी और ऑब्जर्वेशन ये आई जब पोटेंशियल जीरो था करंट की वैल्यू फिर से आई लेकिन पहले वाले पॉइंट से ज्यादा आई। मतलब ये था कि उसी कंडीशन के साथ उसी इंटेंसिटी के साथ हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच रहे थे उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। यानी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ चुका था जो यहां तक पहुंच रहे थे। ठीक है तो ऑब्जर्वेशन आएगी करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई पहले की कंडीशन के साथ फिर हमने पोटेंशियल को लगाया और करंट इंक्रीज होना शुरू किया इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू हुए प्लेट के तक तो करंट इंक्रीज होगा आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट। दोनों की लाइन सेम क्यों आ रही है कि दोनों के लिए इंटेंसिटी क्या की हम लोगों ने फिक्स किया है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड वो हमने क्या किया पहले से फिक्स किया हुआ है। दोनों कंडीशंस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड कांस्टेंट है इसलिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए सेम कंडीशंस के साथ। फिर हमने क्या किया स्टॉपिंग इस पोटेंशियल को डिक्रीज करना शुरू किया और ये ऑब्जर्वेशन ये आई कि सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ हमें सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला इसको म्यू जीरो वी जीरो टू मान लेते हैं इसको वी जीरो मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी म्यू मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी म्यू ले लेते हैं। तो मैं ग्राफ में ग्राफ की ऑब्जर्व जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया उससे हमको ये ग्राफ मिला ग्राफ बनाइए एक बार लिखिए विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी करंट इज आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी करंट इज आल्सो इंक्रीज व्हेन पोटेंशियल इज जीरो व्हेन पोटेंशियल इज जीरो व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट स्टार्ट टू इंक्रीज करंट स्टार्ट टू इंक्रीज एंड बिकेम कांस्टेंट करंट स्टार्ट टू इंक्रीज एंड बिकेम कांस्टेंट कॉल्ड सैचुरेशन करंट। व्हेन वी डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट व्हेन वी डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट करंट इज आल्सो डिक्रीज करंट इज आल्सो डिक्रीज एंड बिकेम जीरो आफ्टर एंड बिकेम जीरो एट स्टेबल नेगेटिव पोटेंशियल बिकेम जीरो एट स्टेबल नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आगे लिखिए व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हेन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट it have different stopping potential। अब देखो ग्राफ से देखिए ग्राफ में हमारे पास फिर से दो वेरिएबल बन चुके हैं फ्रीक्वेंसी वाला और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं इनके बीच में ग्राफ है यहां पे लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यहां पे और यहां पे लिख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल
पोटेंशियल। और ग्राफ बनाए, ग्राफ कुछ ऐसा बना इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर, ग्राफ का सिर्फ ये था। अब यहां पे देखिए इनिशियल पॉइंट ये आया कि मेरा ग्राफ जीरो शुरू नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी थी जिससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो था, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो था। इसका मतलब ये है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुए सरफेस से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुए सरफेस से, मतलब ये है कि एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी है जिससे पहले स्टॉपिंग इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। जिसको नाम दिया गया फ्रीक्वेंसी को, इट इज कॉल्ड ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखिए, देखो देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट स्टार्ट, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट स्टार्ट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया गया इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, एक चीज और भी देखिए, जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंटेंसिटी को इंक्रीज करके देखा था, उसमें देखिए जब सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे थे तो करंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी? मैक्सिमम हो चुकी थी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितना हो सकता है? हाफ एमवी स्क्वायर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या किया? उसको रोक दिया, मतलब जितना एनर्जी था जा रहा उतनी एनर्जी उसने लगाई होगी। तो हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, हम सिंपल लिखते हैं इसको, पोटेंशियल को चार्ज से बना सकते हैं, कौन चल रहा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ले लेते हैं, यानी जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना ही क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो चुका होगा। इन्हें मैं लिख सकता हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये वी नॉट क्या है? इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी वो पोटेंशियल है जो जिसने इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। ओके, इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बेसिस पे हम पता चलता है अगर म्यू नॉट से पहले की चीज देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, मतलब ये जीरो हो गया, तो एनर्जी उसकी क्या हो चुकी होगी? जीरो हो चुकी होगी। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुए सरफेस से, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी, इसके ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने फोटोइलेक्ट्रिक लॉज दिए। लिखते हैं अभी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। लिखते हैं फर्स्ट लॉ, लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, विद इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट आइए, सेकंड पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन थी ना क्या पता लगा उनको, सेकंड पॉइंट का ऑब्जर्वेशन क्या था? लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। इसका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आई थी कि कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी इससे पहले ये टॉपिक होता ही नहीं है। देख लीजिए, देर इज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देर इज ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट स्टार्ट, बिलो विच
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट स्टार्ट, जिसके नीचे इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो था ये लिखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी कि बहुत कम टाइम में प्रोसेस हो जाती है। लाइट गिरने का टाइम और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का टाइम बहुत कम होता है। ये चार लॉज हैं फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट।